अब देख सकते हो मैंने मटन को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये मसाले, जो कि चिली फ्लेक्स है, काली मिर्च है, हल्दी है, कोरिएंडर पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, जीरा पाउडर है, नमक है, ये सब मैं इसमें रख देती हूँ। और उसके बाद मैं इसमें बहुत सारा प्याज डाल देती हूँ। मैंने 750 ग्राम मटन बना रहे हो, उस हिसाब से मैंने 400 ग्राम प्याज रख रही हूँ इसमें। करने के लिए तेल थोड़ा 2-3 चम्मच डाल देती हूँ, और इतना सा 2 चम्मच के बराबर मैंने मिर्ची, हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन पीस के इसमें मैं डाल के अच्छे से मिक्स करके मैं 5-6 घंटे के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ। हेलो जी, आज देखो मैं चंपारण मीट बना रही हूँ, तो मैं आप सबसे अपना रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जीरा, तेजपत्ता, लाल मिर्च, लौंग, दालचीनी के डंठल, सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया। अब ये चटक गए हैं, और अब आप देखो मैंने यहाँ पे मटन को पहले जो मिक्स करके रखा हुआ था सारा मसाला के साथ, वो अब मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसको आप आराम आराम से चला के 2-3 मिनट भूनने के बाद हम इसको ऐसे ढक देंगे। ये मैंने धनिया पत्ती डाल दी, ये हरी मिर्ची मैंने डाल दिया। अब मैं फिर इसको चला देती हूँ। मटन हांडी बनके तैयार हो गया।